यूपी तक करता है कर्नाटक तक का स्वागत। सरकार बदल जाती तो शायद बिजली सुधर जाती। और आपको 300 यूनिट बिजली नहीं चाहिए थी फ्री। जैसे जैसे गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, वैसे वैसे यूपी में बिजली कटौती का संकट भी लोगों के लिए बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है। बिजली संकट से जनता बेहाल है और योगी जी के मंत्री परेशान। जनता का प्रेशर, विपक्ष का प्रेशर, ये तमाम वो बातें हैं जिससे आजकल योगी सरकार को दो चार होना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती से आम जनता परेशान है। चिलचिलाती धूप के कारण बढ़े तापमान ने लोगों को झुलसा दिया है। बढ़ते तापमान के कारण बढ़ती मांग को देखते हुए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि यूपीपीसीएल ने ग्रामीण क्षेत्रों, छोटे शहरों और तहसील मुख्यालयों में बिजली आपूर्ति में कटौती की है। वहीं राज्य के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा काफी ज्यादा परेशान है। उनका कहना है कि उनकी सरकार का टारगेट है कि लोगों को बिना किसी दिक्कत के बिजली मिले, जिसके लिए वो काफी ज्यादा प्रयास भी कर रहे हैं। एके शर्मा की ओर से ट्वीट किया गया कि अत्यधिक गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ गई है। पिछले वर्ष की अपेक्षा अब मांग बहुत ज्यादा है। ऊर्जा विभाग में कार्यरत सभी भाई बहनों से निवेदन है, इस चुनौतीपूर्ण समय में जनता की सेवा के लिए रात दिन सजग, तत्पर और उपलब्ध रहे, शुभकामनाएं। वहीं प्रदेश में बढ़ती बिजली की समस्या को लेकर बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। एके शर्मा का कहना है कि उनकी सरकार तमाम कोशिशें कर रही है कि आम जनता को किसी तरीके की दिक्कत का सामना न करना पड़े। सुनिए क्या बोले ऊर्जा मंत्री एके शर्मा। कुछ दिन पहले मैंने सभी डिस्कॉम के उच्च अधिकारियों की मीटिंग किया था और उस समय बोला था कि आप लोग परिस्थिति में, विशेष रूप से गर्मी की स्थिति को निपटने के लिए अपना अपना प्लान बनाइए और युद्ध स्तर पर कार्रवाई करिए। काफ़ी अच्छा काम हुआ भी है, लेकिन उसके बावजूद पूर्वांचल के कुछ क्षेत्रों से विशेष शिकायतें आ रही थी, इसलिए आज पूर्वांचल डिस्कॉम से के अधिकारी और जनता में से लगभग 17 से ज़्यादा लगभग 20 व्यक्तियों का हमने मऊ और आजमगढ़ जिलों से फीडबैक लिया। उस सारे फीडबैक को हमने ऑनलाइन अधिकारियों से भी साझा किया, वो लोग भी सुन रहे थे। उस फीडबैक के आधार पे और अपनी सामान्य जो जानकारी है उसके आधार पे इन तीनों जिलों में, विशेष रूप से मिर्ज़ापुर, मऊ, आजमगढ़ और पूर्वांचल के सभी जिलों में जनरल रूप से हमने रिपेयरिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए स्पेशल टीमें बनाने के लिए हमने सूचनाएं दी हैं। ट्रांसफार्मर जहां कमज़ोर हैं, जलने की स्थिति है, उनका रिप्लेसमेंट के लिए हमने सूचनाएं दी हैं। किसी भी प्रकार के संसाधन की या फीडर बदलने की, फीडर सेपरेट करने की जो काम कार्य है उसको भी हमने करने का युद्ध स्तर पर सूचना दिया है। इस तरह से करके जो स्थानीय कारणों से जो बिजली की कटौती हो रही है, बार बार ट्रिपिंग हो रही है, उसमें परिस्थिति में परिवर्तन आवे, जनता को सुख की अनुभूति हो, परिवर्तन की अनुभूति हो और गर्मी के समय में जो संकट झेलने पड़ रहे हैं वो ना झेलना पड़े, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है, जो उनकी सूचना है, उस हिसाब से हम लोग युद्ध स्तर पर काम करें, इस प्रकार की सूचना आज हमने पूर्वांचल डिस्कॉम के सभी अधिकारियों को दिया। वहीं जहां सरकार परेशान हो वहां विपक्ष की एंट्री ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुद्दा बिजली का है तो अखिलेश यादव की सक्रियता होना तो लाजमी था। अखिलेश यादव से जब पत्रकार ने बिजली को लेकर सवाल पूछा तो उनका कहना था कि सरकार बदली होती तो तस्वीर कुछ और होती। सुनिए यूपी की योगी सरकार को कैसे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने घेरा। सरकार बदल जाती तो शायद बिजली सुधर जाती। और आपको 300 यूनिट बिजली नहीं चाहिए थी फ्री। तो समाजवादी सरकार होती तो बिजली, आज सरकार से पूछिए कि आपने दिल्ली और लखनऊ की सरकार होने के बाद कितनी मेगावाट बिजली बढ़ाई है। पूरे चुनाव भर हम लोग कहते रहे कि बीजेपी ने कोई बिजली का उत्पादन नहीं किया, कहीं बिजली का उत्पादन नहीं हुआ है। तो अगर उत्पादन हुआ हो तो बता दें। हाँ, बिजली के बिल जरूर आए हैं, अब नोटिस आ रहे होंगे। बिल भरने के लिए पैसे ही नहीं है तो कहाँ से भरेंगे सर? तो जेल जाने की तैयारी करो। और 12 बजे काटते, 6 बजे लाइट देते हैं तो बिल कहाँ से भरेंगे हम लोग? नहीं, अगर भाई ये बात सही कह रहा है, हमारा गरीब आदमी है, इसके पास पैसा नहीं है, बिजली बिल नहीं भर सकता है, तो बिजली का बिल नहीं भरोगे तो बीजेपी की सरकार में जेल चले जाओगे। इसलिए बहुत सावधान रहना, अगली बार ध्यान रखना। भाई अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने धनगटा के विधायक का वीडियो ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा, बिजली कटौती से उत्तर प्रदेश के गांव शहरों में परीक्षार्थियों के मध्य आक्रोश बढ़ रहा है,
घरों में वृद्ध लोग और महिलाएं गर्मी से त्रस्त हैं और अस्पतालों में बीमार लोग और उनके ऑपरेशन और उपचार के लिए डॉक्टर भी। दुकानें और कारखाने भी बुरी तरीके से प्रभावित हैं। भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश को बिजली खरीद कर दे। गर्मी की लहर और मांग में तेजी के कारण बिजली वितरण नेटवर्क पर ओवरलोडिंग के कारण उत्तर प्रदेश में बिजली संकट पैदा हो गया है। खासकर गांव और छोटे शहरों में तो हालात काफी ज्यादा खराब है। बार बार बिजली कटने से जनता की हालत गर्मी में पतली होती जा रही है। देखना होगा कि संकट कब तक खत्म होता है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।